ब्रिस्टो बोल रहे हैं, ब्रिस्टो। अब ये देखना चाहे तो ये ब्रिस्टो, ये देखो मैं तो आ रहा हूँ इसका। हाँ ये भी लीजिए नाजरीन। अब आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताते हैं। ये लोकल गाइड बड़ा अच्छा बंदा है और इसने बहुत सारी नई चीज़ें बताई जो दूसरे टूरिस्ट को नहीं पता चलती। एक्चुअली ये इसका घर ही इधर है, तो यहाँ पे जैसे स्ट्रॉबेरी होती है उस टाइप की, उसी जायके की एक चीज़ पैदा होती है। ये जो जड़ी बूटी, इसे ब्रिस्टो बोल रहे हैं। और ये फल ये ऐसा होता है कुछ, ये मैं उतार रहा हूँ ये वाला, ये थोड़ा साफ नहीं है। ये भी लगा, ये देख लीजिए, ये आ रहा है जी। ये इसका जायका जो है स्ट्रॉबेरी के जैसा है। तो ये मैं खा रहा हूँ, इसको बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह का जायका है, बड़ा अच्छा खुशगवार सा है। तो ये जंगल में और लेके जा रहे हैं, इधर कोई झील है जो आम तौर पर किसी को पता नहीं है, तो ये हमें उस झील की तरफ लेके जा रहे हैं। वो जा रहे हैं सामने मेरे दोस्त अब्बास और वो हमारा लोकल गाइड है। असल में बड़े नेक दिल और साफ दिल के लोग होते हैं यहाँ पे, तो सही बात करते हैं। तो जिनके साथ इनका दिल मिल जाता है तो फिर उसको बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, उनकी सोच है। और एक और चीज़ नहीं कि यहाँ पे एक ख़ास किस्म का घास होता है जिसे आप माउंटेन टी बोलते हैं, इंतहाई ज़बरदस्त जायकेदार और सेहत के लिए फरहत बख्श। वो घास भी इसने हमें दिखाई थी, शायद इधर नहीं है, जैसे आई कि दिखाऊंगा। ऐसे ही एक नए टाइप का फूल आया मेरे सामने, कितना प्यारा लग रहा है। तो हम जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं उस झील की तरफ। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त टूर है, वो सिर्फ अल्लाह के करम से ये सारा कुछ पॉसिबल होता है। बाकी अच्छे लोगों से मिलवा देता है और आगे से रास्ते बन जाते हैं। और ये वही स्ट्रॉबेरी की जैसी कुछ चीज़ें, ये सारी हो गई। ये है जी, इसे ब्रिस्टो बोल रहे हैं, ब्रिस्टो। अब ये देखना चाहे तो ये ब्रिस्टो, ये देखो मैं तो आ रहा हूँ इसका। हाँ ये भी मज़े का है, ये बास भाई भी इंजॉय कर रहे हैं, इनके हाथ में भी हैं कुछ पाँच सात, तो मज़ा आ गया यार। यही चीज़ें होती देखने की, यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बस नेचर को अपने एक्सप्लोर करना होता है। ये मिराज भाई लेके हैं काफ़ी सारे, ये देखो, ये वो जायके वाले मज़े के हैं। जैसे वो घास आएगी ना, कौन सी घास, माउंटेन टी वाली, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, आपका मंजर देखने वाला है सारा जंगल के बीचों बीच। ये अब्बास है, ये मैं मुजम्मिल, ये मेरा आज मेरा हमारा दोस्त और यहाँ का लोकल गाइड रिपोर्टर, इसको मैंने आइडिया दिया है कि इसकी अपनी इधर जगह है, वहाँ पे ये कैंपिंग करे और यहाँ पे टूरिस्ट को फैसिलिटेट करे, खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। ठीक है जी, एंट्रेंस को बस और निकलते हैं। हाँ ठीक है, इस झील को देख के निकलते हैं जी, झील झील की तरफ जा रहे हैं, बस अभी जा रहे हैं। अब हम झील किनारे पहुँच गए हैं, तो ये पहाड़ों के बीचों बीच ये एक झील बनी हुई है और इसमें पानी भी आ रहा है। तो ये जंगल के तकरीबन दरमियान में, पहाड़ों के दरमियान में ये छुपी हुई है जी। आम टूरिस्ट इधर नहीं आते, बस लोकल लोग इधर रहते हैं और इनकी फैमिलीज़ भी इधर रहती हैं, क्योंकि ये फैमिलीज़ को अपने काम से अलग रखते हैं, तो इसलिए कम ही ये प्रमोट हो सकी। और ये आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद फूल कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन आप खिल रहे हैं, मौसम आ चुका है तो ये खिल रही हैं इस तरह के फूल, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए जी, तो ये भी देखते गए। हाँ ठीक है जी, हाँ मूव कर रहे हैं तेज़ी से, ये आगे जा रहे हैं बस और मिराज, ये मैं हाथ में मिराज देखना चाहता। बड़ी टफ सादा लेकिन सेहत बख्श ज़िंदगी है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल बहुत सादा और सेहत अफजा, लेकिन सेहत अफजा, क्योंकि यहाँ हार्ड वर्क लोग हैं, पहाड़ों पर चढ़ना उतरना इससे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। अमीर लोग तो बेचारे बैठ बैठ के खा खा के वज़न बढ़ाते हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है, कोई डायबिटीज़ का, तो कोई